ओके सो नाउ लेट्स स्टार्टिंग विथ योर फर्मवेयर डेवलपमेंट। अभी हम सबसे पहले आर्डिनो आईडीई में करेंगे एज आई हैव टोल्ड इन द रूट मैप। और इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा हार्डवेयर सीरियल और सॉफ्टवेयर सीरियल के बारे में बताऊंगा, देन वी विल जंप इन टू द कोड। सो देखो, यूआरट कम्युनिकेशन इन माइक्रो कंट्रोलर ना हमारी सिर्फ मेन दो पिन होती हैं, आर एक्स और टी एक्स। टी एक्स इज द ट्रांसमीटर, आर एक्स इज द रिसीवर। सो वन डिवाइस विल ट्रांसमिट, डेट विल बी कनेक्टेड टू द रिसीवर ऑफ अनदर डिवाइस, डिवाइस टू। सिमिलरली रिसीवर ऑफ डिवाइस वन विल बी कनेक्टेड टू द ट्रांसमीटर ऑफ अनदर डिवाइस। एंड जस्ट रिमेंबर गाइस कि ग्राउंड हमेशा ना जितने भी डिवाइसेज में हम यूआरट कम्युनिकेशन कर रहे हैं सबका शॉर्ट होना चाहिए, बिकॉज इट डिपेंड्स, बिकॉज अदरवाइज लाइक यूआरट कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द वोल्टेजेस, लो वोल्टेज सिग्नल्स ऑफ हाई लो 0.5 0.5। सो ग्राउंड विल मेक योर रेफरेंस वोल्टेज इक्वल फॉर ऑल द पेरिफेरल्स। सो इफ वी वॉन्ट टू कनेक्ट एनी पेरिफेरल टू माइक्रो कंट्रोलर, सिंपली टी एक्स टू आर एक्स, आर एक्स टू टी एक्स ऑफ दैट पेरिफेरल टू माइक्रो कंट्रोलर एंड ग्राउंड शॉर्टेड। सिमिलरली वन कैन कम्युनिकेट बिटवीन टू माइक्रो कंट्रोलर्स बाय सेम कनेक्शन, टी एक्स टू आर एक्स, आर एक्स टू टी एक्स। सो लेट्स बिगिन विद कोड। UART communication is done on MCU, like what which pins are connected and how internally does it work. So मैं उसके internally तो circuit पे नहीं जाऊंगा, but I will make you understand its timing characteristics and all those in the next video. अभी मैं आपको वैसे बताता हूँ कि देखो UART communication करने के लिए as I have said there are two pins, RX and TX. So what we do, हम लोग एक तो होते हैं हमारे पास हार्डवेयर ओरिएंटेड कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमारे पास यूआरट पिंस ऑलरेडी है। दैट टेक्निक इज नोन एज हार्डवेयर सीरियल एंड हार्डवेयर ओरिएंटेड व्हेन वी यूज सीरियल सॉफ्ट सीरियल डॉट बिगिन और सीरियल वन डॉट बिगिन, ऑल दीज आर हार्डवेयर ओरिएंटेड। वी हैव ऑलरेडी यूआरट पेयर्स इनसाइड ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर, बट समटाइम्स अब माइक्रो कंट्रोलर से हमें सिर्फ एक ही यूआरट पेयर है, बट हमें ज्यादा चीजें होते हैं। सो वी क्रिएटेड अ फुल यूआरट कम्युनिकेशन बाय सॉफ्टवेयर, the technique called bit banking, when we use the software serial thing and software oriented. So when we use the software serial dot h inside our Arduino IDE code, we are actually using the software serial. That means those pins are not inside the those pins don't have UART capability in hardware inside of a microcontroller in terms of hardware, but we created whole UART communication by the help of software. So that, you know, like I know that's bit surprising, but that's this technique is called bit banking. And in the hardware serial, we use the actual hardware which are given for UART. Now let me show you this in the block diagram and circuit pinout. So अभी आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे हो एटमेगा 328 का, इसके डाटा शीट में ब्लॉक डायग्राम होगा। सो यू कैन सी हेयर कि इधर हम आप देख रहे हो यूजर जीरो, only one UART pair is given in AVR 328. Okay, so when we use the serial dot begin, we are actually using this UART pair 0 RxD0 and TxD0, and this RxD0 and TxD0 is located, you can see from the website here, that in the Uno Nano Mini all have only one serial pins, that is hardware oriented, that is on 0 and 1, 0 being RX and 1 being TX. And on Atmega, you also in the pinout of this Atmega 328, aap dekhoge agar yahan pe sirf hume ek hi pin UART ka pair de rakha hai, whereas in Whereas अगर आप थोड़ा हायर एंड माइक्रो कंट्रोलर एटमेगा 2560 या 1820 पे देखोगे तो उनपे चार यूआरट पेयर होते हैं, यूजार्ट 0, यूजार्ट 1, यूजार्ट 2, यूजार्ट 3, एंड ऑल दीज यूजार्ट्स आर लोकेटेड ऑन दिस आर कैन बी सीन ऑन द पिन आउट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। यू कैन सी हेयर दिस इज द फर्स्ट आर एक्स डी टी एक्स डी 0, देन अनदर वन वी हैव हेयर आर एक्स डी टी एक्स डी 1, एंड देन वी हैव ऑल्सो वन आर एक्स डी टी एक्स डी 2 12 13, and the another one is on here RxD TxD on 64 63, pin out of a microcontroller. In terms of micro Atmega board, mega में चार हिस्से से मैंने बताया, तो serial जो होता है वो होता है हमारा 01 पे, serial 1 is on 1918,
Serial 2 is on 1716 एंड सीरियल 3 इज ऑन 1514 RSTX. सो अब मैं बस आपको एक छोटा सा, अब हम कोड पे चलते हैं. कोड पे मैं आपको जस्ट पहले बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर सीरियल जब हम गेट टू बाइट में लिख रहा हूँ 2,3. सो एक्चुअली 2 आई एम क्रिएटिंग एज RX पिन एंड 3 आई एम क्रिएटिंग एज TX पिन. और मैं गेट टू बाइट डॉट बिगिन यूज कर रहा हूँ, तो ये मैं पूरा बाय सॉफ्टवेयर से मेरा UART कम्युनिकेशन होएगा. बट वेन आई एम यूजिंग ओनली सीरियल डॉट बिगिन और इवन आई राइट सीरियल 1 डॉट बिगिन सीरियल 2, तो मेरे हार्डवेयर ओरिएंटेड जो पिन है उन पे होएगा. सो नाउ अब जब हम मेगा यूज करेंगे डेट इज 2560, तो हमारे पास चार हार्डवेयर ओरिएंटेड होगी. और जब हम ऊनो यूज करेंगे 328, तो हमारे पास वन वन ओरिएंटेड होगी. अब हम टूल्स पे जाके जो हम बोर्ड यूज कर रहे हैं मेगा, तो फिर हम सीरियल 1, सीरियल 2, सीरियल 3 और सीरियल यूज कर सकते हैं. बट अगर हम ऊनो यूज कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक सीरियल ओरिएंटेड है हार्डवेयर ओरिएंटेड, तो फिर हम सिर्फ सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल 1, सीरियल 2, सीरियल 3 उसमें नहीं चलेगा ऊनो में, इट विल शो एरर.